हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय दुनिया। होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग देख के समझ गए होंगे कि ये जो मैं व्लॉगिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो है ये ज़ेबा का मेहंदी का फंक्शन है। और ये मैं आज बहुत दिनों के बाद आई नो कि मैं एडिट कर रही हूँ, तो कोई नहीं, बट स्टिल आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये ज़ेबा का मेहंदी का फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ज़्यादा लोग नहीं थे कंपेयरिंग टू हल्दी में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, लेकिन मेहंदी में मतलब कुछ जो क्लोज फ्रेंड्स लोग थे वो थे, और जो मेरे रिलेटिव्स थे वही लोग थे। तो यहाँ पे सब देखिए, उसका मतलब फंक्शन स्टार्ट हुआ है, तो आगे की वीडियो में आप लोग देखिएगा। आइए दिखाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है ज़ेबा का बहुत सारा शूट हो रहा था, और जैसे कि हल्दी के वीडियो में आप सब ने देखा कि मैं कुछ में वॉइस ओवर कर रही थी, और कुछ वीडियो आप लोगों को मैंने ओरिजिनल में भी रखा था ताकि आप लोग इन्जॉय कर सको और आप लोग समझ सको कि रियलिटी में क्या क्या हो रहा था। तो मेहंदी में भी एज इट इज सेम रहेगा जो आप लोग देखोगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, सबको मेहंदी ऑलरेडी दिन में लगा लिए थे, और उसके बाद कैमरामैन आए थे और सारा देखिए वीडियो वगैरह शूट हो रहा। मेहंदी का फंक्शन हो चुका है, ज़ेबा मतलब हो नहीं चुका है, स्टार्ट ही है, और ज़ेबा का बहुत सारा शूट हो रहा, हम लोगों का भी होगा, बहुत कुछ हम लोग करने वाले हैं। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इसमें। ओके, सो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने सॉन्ग इन्जॉय किया कि सॉन्ग वगैरह बज रहा था। तो अभी मैं आप लोगों को टेरेस का सारा दिखा रही हूँ कि ये देखिए टेरेस पे ही फंक्शन सारा था। और ये जो है ये मासूद अंकल है जो फर्नीचर स्पेशलिस्ट जो बोलते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। तो एक्चुअली मेरा भी फर्नीचर शादी का सारा इन्होंने बनाया था, और मेरी बहन का भी जो है वो इन्हीं के हाथों से बनेगा, मतलब बन चुका ऑलरेडी, बनेगा क्या। तो ये अंकल थे तो बस। और ये जो है ये मेरा फुपेरा भाई, ये भी मेरा कज़न है, सब गाँव रांची से आए हुए हैं। और ये सारा देखिए, ये रंग महल बना था, और ये भी मेरा भाई है वसीम भाई। और यहाँ पे देखिए टेरेस पे ये सारा डेकोरेशन हुआ था। तो कुछ कुछ वीडियोस जैसे मैंने बताया ओरिजिनल मोड में रहेगा ताकि आप लोग भी बोर ना हो, इन्जॉय कर सको, और जैसे कि मैंने बताया वीडियो पूरा एंड तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कुछ। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा स्पेस छोड़ के थे, बिकॉज मेरा टेरेस जो है काफ़ी बड़ा है। ये जो है ये पानी का टैंक है, और यहाँ से मैं आप लोगों को रास्ता दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये शूट मैं नहीं कर रही थी, मेरा बहन का बेटा कर रहा था आर्यन, तो वो पूरा अच्छे से सब तरफ का अच्छा कैप्चर किया है। ये दूसरे बिल्डिंग का देखिए आदमी उसे कैसे लुक कर रहे थे, हाय अंकल। एनीवेज, सो देखिए यहाँ पे आप लोगों को रंग महल दिखेगा कि उस साइड पे जितना स्पेस था उस साइड पे ही उतना जगह पे बना था रंग महल, और ये सारा स्पेस ऐसे ही खुला था। और फिर हल्दी का जो खाना भी वो साइड से खिलाया गया था, आधा वहाँ पे अंदर पे फंक्शन हो रहा था और बाहर पे गेस्ट लोगों को खाना भी खिलाया गया था। ये साइड से आप लोग देख सकोगे, आई थिंक वो पूरा कैप्चर किया होगा, यस yes। तो ये तो खैर मेरा फ्लोर दिख रहा है, ये सारा डेकोरेशन हुआ था। सो पिछले वीडियो में आई थिंक मैं ओरिजिनल वॉइस रखूंगी ताकि आप लोग इंजॉय करो। यहाँ पे देखिए अंकल जो है ये अपना काम कर रहे हैं, बिकॉज ये जो हम लोग डिसाइड किए थे ना, इसमें जब दुल्हन एंट्री करेगी तो ये भाई लोग सब मतलब चार कोना धर के उसे एंट्री करवाता, बट हाउएवर ये प्लान हम लोगों का फ्लॉप हो गया। तो वही मैं सबको बता रही थी कि इसे कर लेते, एक्चुअली ये क्या हुआ था कि टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, भाई लोगों को भी मतलब खाना जहाँ बन रहा था सब कुछ देखना था, सामान लाने जाना था, तो सब बिजी था, फ्लावर वगैरह भी नहीं आ सका था, तो हम लोगों को फिर
लास्ट एट द मोमेंट में हम लोगों को प्लान चेंज करना पड़ा था, तो वो जो क्या प्लान चेंज हुआ था वो आप लोग शादी का व्लॉग में देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे थे और मैं इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि मतलब फ्लावर ऐसा आएगा, ऐसा ये होगा वो होगा, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं मतलब सारा इंस्ट्रक्शन उन लोगों को बता रही थी। तो अंकल तो अपना काम करके चल गए थे, बट हाउएवर डेकोरेशन नहीं हुआ था। बट कोई नहीं, बोलते ना जो नहीं हुआ सो अच्छा हुआ, तो अच्छा हुआ था। ठीक है, हम करेंगे। आज टाइम में क्या है ना, हम तो 9 बजे तक आप टाइम इतना सामने सुनोगे। वेल, ये है जन्नत जो मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, वीडियो देखते होंगे तो उसे पता है ये जन्नू है। वो नीचे गई थी, शायद उसे वॉशरूम जाना था, तो अब आ चुकी है। और यहाँ पे अंकल देखिए हाय कर रहे हैं मेरे व्लॉग पे। और ये मेरा बहन का बेटा, वो आर्यन जो है, आर्यन ही शूट कर रहा है सबका। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस टेंशन में थी कि भाई कंप्लीट नहीं हुआ, क्या होगा। मैं सबको बोल रही थी कि अभी लेके चले जाओ हॉल में, क्योंकि कल का झमेला मत रखो। तो यही सारा बात चल रहा था। बट वो मैंने बताया ना, वो क्या होता है जो नहीं, क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा, मतलब जो होता है सही के लिए होता है, हाँ वही जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर हम लोगों ने प्लान चेंज कर लिया था, सो या सब कुछ सही हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स उसका शूट चल रहा है, जैसे कि मतलब कुछ अलग अलग स्लोमो में होगा, मतलब दुल्हन दुपट्टा लेकर, फिर हम लोग हाथ से कुछ करेंगे। आप लोग पिछली वीडियो में सब कुछ देखिएगा, मैं ओरिजिनल वॉइस में भी रखूंगी, आप लोग देखिएगा। मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरी सासू मम्मी है, मेरी आंटी लोग है, सबको मिल के हम लोग ये सारा उसका मोमेंट मतलब बेस्ट बनाए थे। और यहाँ पे जेवा की बहुत फ्रेंड लोग भी है, वो लोग भी बहुत हेल्प की थी। तो यही सारा चीज था, जो बहुत सारा पोज था, हम लोग पागल हो गए थे। कैमरामैन कभी ऐसा करो कभी वैसा करो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारा शॉट्स वगैरह शूट उसका चल रहा था। देखिए तो ये यहाँ पे हम लोग बता रहे थे, हम लोगों को कैमरामैन बताया था कि एक एक करके वन बाय वन आप लोगों को हाथ हटाना है। तो वही सारी चीज सबको समझा रहे थे, मम्मी को, मेरी अम्मी को, मतलब सासू मम्मी जो है उनको, सबको समझा रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम हो गया कि जितना हाथ चाहिए था भाई उतना हाथ मिल नहीं रहा था, अब कहाँ से हाथ ला के दे। बट उनको चाहिए था कि ब्लैंक हाथ नहीं चाहिए, आई मीन टू से लाइक मेहंदी वाला हाथ चाहिए उसे। तो फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या किया कि दो दो हाथ करके रख दिया था। अब जो इसके बाद आप देखोगे तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा, इतना हम लोगों को पागल कर रहा था ये कैमरामैन। दो बार करने वाला, हटो अब, हटो, कल लगा लेते उनको, फेस झाकी उनको, फेस रखिए फेस लगा लो, फेस लगा के करो, फेस लगा के क्या आप घूरिए, ठीक है, जब बोले तो हटे, ठीक है, एक ही करके बेटे हटाइए हटाइए हटाइए, घूरिए दीदी, खोलिए। वेल, आप लोगों ने देख के समझ ही गए होंगे कि कैसा कैसा पोज पोजीशन करने बोल रहा है, ऐसा पोज करिए वैसा पोज करिए। तो ये था, अब मतलब दूसरा नहीं, काफी पोज तो हम लोग किए थे, हर पोज मतलब मुझे देना पॉसिबल नहीं हो रहा था, काफी वीडियो लंबा ऐसे ही हो जा रहा है। तो ये जो था ये एक यूनिक था, तो मैं सोची चलिए ये भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए, जो वो बता रहे थे राउंड करके सर्कल करके करना है, बीच में दुल्हन रहेगी, बट किसी को समझ नहीं आ रहा था। भाई मेरी मम्मी और मेरी सासू मम्मी तो बेस्ट एंड बेस्ट है, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता, बाकी सब लोगों को बहुत एक्सप्लेन करना पड़ रहा था कि ऐसा करिए वैसा करिए वैसा करिए। बाकी मम्मी और मेरी सासू मम्मी एकदम ठीक सारा स्टेप कर ली थी, आप लोग आगे देखिएगा कि उन लोगों वो लोग सही कर ले रहे थे। तो यही सारा चीज मैं और जेबा सबको समझा रहे थे कि अब ऐसे करोगे ताकि दुल्हन फिर ऐसे करेगी। तो आगे आप लोग देखिए कि कैसे कैसे हो रहा है।
एंड फाइनली सबको समझ आ चुका था, तो फिर सब कोई उठ गए, लाइक मेरी फूफी थी वहाँ पे, फूफी लोग थी, आंटी लोग जो आई हुई थी सारे, तो उन सबको भी मतलब ये सारा स्टेप्स करवा दिए थे, बिकॉज भाई जब आए हो मेहंदी में तो कुछ ना कुछ तो करना होगा, है कि नहीं, शादी है, तो फिर सबको ये स्टेप समझ में आ गया था। तो देखिए मेरी लक्की आंटी भी उठ गई है और मेरी फूफी भी है, वो भी उठ गई, तो फिर सब कोई आ गए और उसके बाद ये स्टेप किए। तो अब जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये स्टेप क्या था, और खूब इंजॉय आया था ये स्टेप में, तो काफी इंजॉयमेंट हुआ था हम लोगों का। तो ये आप लोग अभी देख के समझ में आता होगा कि दुल्हन बीच में है और हम लोग सब घूमेंगे, घूमर घूमर रे, मतलब यही होगा, घूमर घूमर होगा। सो यही चल रहा है। और ये सारा हम लोगों का मेहंदी का ड्रेसअप भी था, आप ड्रेस हम लोगों का देख लो, मेरी मम्मी का, मेरा, मेरी सासू मोम का, सबका। यहाँ पे अब हो गया है दूसरा पोज करना है। तो देखिए ऐसे तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि बहुत सारा पोजेस था, लेकिन मैं सब नहीं शेयर की हूँ आप लोगों के साथ, जो जो स्पेशल था मैं बस वही शेयर की हूँ। और ये लास्ट है, ये जो था ये दुपट्टा वाला था कि वन बाय वन हम लोगों को दुपट्टा हटाना है, एंड लास्ट आप लोग दुल्हन का शक्ल देखोगे। और जब वो कैमरा में हम लोगों को दिखाए थे ना वो कैमरा वाले भैया, तो काफी अच्छा लग रहा था ये पोज भी। और उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद मतलब इससे पहले ही आप लोगों को वीडियो में बता दी थी कि एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग क्या है वो अब आप लोगों को देखने मिलेगा, मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगी, आप लोग देखोगे कि वो डांस है। यस, डांस है, किसका डांस है वो अब आप लोग देखो कि वीडियो आने वाला है कि किसका किसका डांस हो रहा है। हम बोलेंगे थ्री टू वन रेडी, छोड़िए एक एक करके एक एक करके एक एक छोड़िए, छोड़िए ये है सना जीबा की स्टूडेंट, और अब डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया। तो ये अब जो होगा डांस, अब सना का डांस होगा, आप लोग देखो, और इसके बाद ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, किस किस का डांस हो रहा है, इंजॉय कर।